के खिलाफ ही सारे निर्णय लेने हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जो ट्रांसपोर्टरों के हित में हो और जो जिससे ट्रांसपोर्टरों को बेनिफिट मिले। आज हमारा डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, जबकि वर्ल्ड मार्केट में डीजल पेट्रोल की कीमत 58 से 59 डॉलर प्रति बैरल है, जबको मनमोहन सिंह जी की सरकार में 120 बैरल होने के बावजूद डीजल इससे कम रेट पर था। लेकिन यहाँ 58-59 रुपए डीजल बैरल होने के बावजूद इन्होंने हमारा रेट डाउन नहीं किया है। ये कोई भी बेनिफिट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को देना नहीं चाहते हैं। आज हमारे भाइयों के ऊपर जो इन्होंने जुर्माने लगाए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान के 48% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी मात्र 10,000 से कम है। भाइयों, जिनकी आमदनी सिर्फ 10,000 है, वो 20,000, 30,000, 15,000 का चलान कैसे भरेंगे? अगर हिंदुस्तान में आप जो है डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, इतने भारी जुर्माने करना चाहते हैं, हम वो भी करने को तैयार हैं। आप विदेशों से इतना जो सीख के आते हैं, विदेशों से ये भी बात सीखे, हमारी जो आमदनी 10,000 रुपया महीने है, पहले उसको 2 लाख रुपया करो, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया करो, उसके बाद हमसे इस तरीके के जुर्माने मांगो। तो हमारी आमदनी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ये अमेरिका इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन उतनी आमदनी भी हमारे यहाँ नहीं है। तो भाइयों, एकजुट होके सारे मिलके इसका विरोध करो। 19 तारीख को पूरा जोरदार तरीके से दिल्ली में जाम लगा दो, तभी हमारी बात सुनी जाएगी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।